अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग पीटा ब्रेड बनाएंगे, और पीटा ब्रेड बनाने के लिए हम लोग गूंदेंगे डो। और डो गूंदने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 कप प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा लिया है, ये हमें चाहिए है। हाफ टेबल स्पून मैंने ली है यीस्ट, इसको मैं थोड़े से गर्म पानी में डालकर भिगो दूंगी 2-3 मिनट के लिए। 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक ये ऐड करेंगे, और तकरीबन 1 टेबल स्पून हम लोग ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो यीस्ट है ये इसमें हम लोगों ने नीम गर्म पानी में भिगोई है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से डो गूंदेंगे, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम, दरमियानी सी हम लोग डो गूंदेंगे। ये 5-7 मिनट हम लोगों ने डो गूंदी है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ये ऑयल लगाकर इसको ढककर किसी गर्म जगह पर आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। पीटा ब्रेड की डो का जो आटा है वो राइस हो चुका है। अब हम लोग छोटा सा पेड़ा लेंगे, खुशका लगाएंगे और पीटा ब्रेड बेलेंगे। अब इसे तवे पे डाल देंगे। दरमियानी आंच पर हम लोग पकाएंगे, तेज आंच पर नहीं पकाएंगे। ये देखिए ये ब्रेड जो है वो रेडी है। अब हम लोग इसी तरह बाकी भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये सारे पीटा ब्रेड रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग शवारमे की स्टफिंग तैयार करते हैं। अब हम लोग शवारमे की स्टफिंग तैयार करते हैं, और उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वह नोट डाउन कर लीजिए। चिकन का 1.5 पाव के करीब मैंने लिया है कीमा, थाई पीसेस का ये हमें चाहिए है। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून टिक्का मसाला, ये हम लोगों ने लिया है। सबसे पहले ये बॉल लेंगे, इसके अंदर हम लोग ये चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। आप चेस्ट पीस का कीमा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर ये लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट ये डालेंगे, नमक, टिक्का मसाला, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्चे हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, ये भी दोनों डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून दही। इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे।
से मिक्स करके हम लोग इसको 20-25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और इसके अंदर हम लोग अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे लीमू का रस, यानी एक छोटा लीमू इसका रस हम लोग वो भी ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करके तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट होते हुए, अब हम लोग इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके अंदर ये चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। और इसे 7-8 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ये जो है ऑलमोस्ट रेडी है। हम लोग इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी जो है पीटा ब्रेड्स भी रेडी है, शवारमा बनाने के लिए चिकन भी रेडी है। ये मैंने थोड़ी सी गाजरें काटी है, थोड़ी सी ये मैंने ली है जैलपीनोस, और मैंने काटी है बंद गोभी, थोड़ा सा खीरा, टमाटर और बारीक बारीक शिमला मिर्च। चले हम लोग बनाना शुरू करते हैं चिकन शवारमा। ये हम लोग शवारमा रखेंगे, इसके ऊपर यूं थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे, थोड़े से ये खीरे, इसी तरह ये टमाटर के टुकड़े, शिमली मिर्चों के टुकड़े, थोड़े से ये गाजरों के टुकड़े और ये कुछ जैलापीनोस, ये हम लोग डालेंगे। और ये चिकन जो हम लोगों ने रेडी किया था ये डाल देंगे। और इसके ऊपर हम लोग ये मायोनीज जो है, ये शवारमे की मायोनीज जो है वो मिलती है बाजार से। अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप मायोनीज में बराबर मिकदार में मायोनीज और दही को मिक्स करके इसके अंदर रेड चिली जो है सॉस वो डालें, तो ये शवारमा की मायोनीज जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए शवारमा हमारा मज़ेदार सा चिकन शवारमा रेडी है। अब हम लोग इसको यूं करके एक कदर टूथपिक से इसको बाइंड कर देंगे। रेडी है हमारा मज़ेदार सा शवारमा। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बना है। इसी तरह हम लोग दूसरा भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों शवारमा रेडी है।
देखें ये दोनों शवारमे जो हैं वो हमारा चिकन शवारमा रेडी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।